नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के सहयोग के अनुरोध पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से आए डिप्टी सेक्रेटरी एवं उनकी टीम के साथ बैठक आयोजित कर बिजनौर पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला है, जिसमें पर्यटन के लिए विशेष संभावना एवं आकर्षण है। डिप्टी सचिव जल शक्ति भारत सरकार धीरज जोशी बिजनौर के पौराणिक, संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जानकारी से वो प्रभावित हुए। बिजनौर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयास करने का आश्वासन भी दिया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहम्मद जुबैर को लेकर सीतापुर पुलिस बंगलौर रवाना हुई है। बंगलौर में जुबैर के मोबाइल और लैपटॉप को बरामद करेगी। कोर्ट ने जुबैर को 6 दिन 2 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। एलटी न्यूज के सह संस्थापक हैं मोहम्मद जुबैर। खेल मंत्री रेखा आर्य ने टिहरी जिले के मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। उप क्रीड़ा अधिकारी ऋतु जैन ने स्टेडियम में संचालित किए जा रहे खेलों के बारे में जानकारी हासिल की है। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की। खेल मंत्री रेखा आर्य को उप क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में स्टेडियम में 8 प्रकार के खेल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्टेडियम में मैदान के समतलीकरण का विषय भी उठाया है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्टेडियम के ग्राउंड को समतल किया जाएगा, जिससे यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पौड़ी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से विकास खंड पौड़ी के धनाव मल्ला में एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। मकान के अंदर मकान का मालिक सो रहा था। दीवार ढहने के चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वहाँ पर एक महिला भी मौजूद थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जहाँ महिला का इलाज चल रहा है, वहीं महिला के पति और बेटा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के इलाज के लिए न्यूरोसर्जन की आवश्यकता है, जो कि पौड़ी अस्पताल में मौजूद नहीं है, लिहाजा महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। अमेठी की कमान संभालने के बाद नए कप्तान काफी एक्शन में हैं। कानून व्यवस्था मजबूत रहे और अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम हो, इसके लिए एसपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक इलामरन जी ने एक तरफ जहां दोपहर में सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं देर शाम पुलिस अधीक्षक ने जामू और जगदीशपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। यहां पर पुलिस अधीक्षक ने महिला हेल्प डेस्क, आरक्षी बैरक, शस्त्रागार सहित अन्य शाखाओं का बिंदुवार निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने और अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिजनौर में शादी की जिद पर अड़ी मंगेतर ने अपने प्यार को आखिरी मुकाम तक पाने के लिए भाई के साथ मिलकर अनोखी अपहरण की साजिश रच डाली। गनीमत रही कि सर्विलांस टीम चांदपुर पुलिस ने महज 4 घंटे में केस वर्कआउट करते हुए युवती सहित 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें बेनकाब किया है। अपहरणकर्ताओं के चुंगल से स्टेनो को सकुशल बरामद किया गया। अलगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव धौरी में बुधवार की शाम एक विवाहिता ने फांस लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस और मायके वालों के पहुंचने से पहले ही जंगल में जाकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। घटना की जानकारी पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, तब तक शव चिता में जल चुका था। वहीं विवाहिता की मौत की जानकारी होने पर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और हत्या की आशंका जताई है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेसवे का ठहराव और वहीं माँ वैष्णो धाम जाने वाले कटरा एक्सप्रेस का ठहराव निहालगढ़ में होगा। गाजीपुर से माँ वैष्णो धाम तक चलने वाली ट्रेन कटरा एक्सप्रेस का निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी से लखनऊ तक चलने वाली वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस का शुक्रवार से मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव हुआ। ट्रेन के आते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के ड्राइवर को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया।
फरुखाबाद में हाल ही में मेरापुर थाना पुलिस ने एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा था। मौत के घाट उतारने के बाद उस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए एक कहावत कही गई है कि सैया भाई कोतवाल हमें डर काहे का। कई दिनों तक पुलिस के बड़े अधिकारियों की फजीहत हुई, मामले ने तूल पकड़ा, तब कहीं जाकर पीटने वाली बात सामने आई है और कार्रवाई की गई। कई दिनों बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को उस थाने से हटाकर दूसरे थाने में तैनाती दे दी गई, इसलिए इन हैवान पुलिसकर्मियों के हौसले बुलंद हो गए। चाहे किसी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दो, चाहे किसी को पीट पीट कर उसे मरा समझकर फेंक कर चले जाओ, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ एक थाने से हटाकर दूसरे थाने में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीता जागता उड़हन इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पीड़ित को पीट पीट कर पुलिस ने उसके क्या हाल कर दिए हैं, इन तस्वीरों को देख के आप समझिए। अब पीड़ित ने पुलिस से भरोसा न करके जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर इन्हें एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिया है और साथ ही साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी एक पत्र दिया है ताकि जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। गुरुवार देर शाम बिस्सट थाना क्षेत्र के इको विलेज सोसाइटी के पास एक जूस कॉर्नर संचालक के साथ दबंगों ने जमकर मारपिटाई कर दी। दुकानदार को दबंगों ने दुकान में घुसकर पीटा है। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला बिस्सट थाना क्षेत्र के इको विलेज सोसाइटी के पास सागर प्लाजा का, जहां पर मुन्ना यादव एक जूस कॉर्नर चलाता है। मुन्ना यादव ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि बिस्सट गांव के रहने वाले आधा दर्जन दबंगों ने उसके साथ दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उत्तराखंड एसटीएफ और वन विभाग की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने 4 कुख्यात वन तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वन तस्करों के पास से बाघ की खाल भी बरामद हुई है। दोनों टीमों ने हरिद्वार जिले के लक्सर वन प्रभाग क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की है। वन तस्कर बिजनौर जिले से हरिद्वार जिले की सीमा में दाखिल हो रहे थे, उसी समय गाँव शेखपुरा के पास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरोवर नगरी नैनीताल हल्द्वानी में देर शाम को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी पहुंचने पर भाजपा विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया, अभिनंदन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की, जिसमें दैवीय आपदा निर्माणदायी संस्था, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। रायबरेली में एक अनोखी पहल देखने के लिए मिली है, जहां पर महिला बंदियों की किस्मत संवारने वाली साबित ये हो सकती है। यहां महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य उन्हें जेल से रिहा मिलने के बाद आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। वैसे तो जेल में कंप्यूटर समेत अन्य कोर्स भी चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं के अनुरोध पर जेल अधीक्षक ने इसे खुद शुरू करवाया है। इस कोर्स को 15-15 के बैच में चलाया जा रहा है। 45 दिन का एक कोर्स करने के बाद प्रशिक्षु अपना खुद का पार्लर खोल सकते हैं। 20 से 25 हजार रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस कारोबार से 10 से 15 हजार रुपए महीना का मुनाफा कमाया जा सकता है। जिला जेल के जेलर के मुताबिक यहाँ से पहले वाली जेल में तैनाती के दौरान उन्होंने इस कोर्स को शुरू कराया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए थे। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जिस संभल में नुपुर के खिलाफ पोस्टर लगे थे, वहीं से अब अखिलेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग उठ रही है। युवा हिंदू नेता ने प्रधानमंत्री ऑफिस में ऑनलाइन शिकायत पर अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। मामला सदर कोतवाली इलाके का। यहां के भाजपा के ऑफिस के इंचार्ज अक्षित अग्रवाल ने अखिलेश यादव के नुपुर शर्मा पर किए गए ट्वीट में रिपोर्ट दर्ज कराने को पीएमओ में शिकायती पत्र भेजा है। अखिलेश के ट्वीट से भाजपा नेताओं में रोष नजर आ रहा है। उनका कहना है कि वो अपने पिता से भी महिलाओं पर टिप्पणी करने में आगे निकल गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।